में बख्तावर क्रेडिट कॉलेज से आया हूँ, मैं मुलाजिम वहाँ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम सी है, मैं सिपर के एक पोस्ट पे हूँ, सफाई करता हूँ कॉलेज में। मेरे साथ बेनिजाजी हुई है, मेरी तारीखें काटी गई हैं। अगर मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, मुझे कॉलेज से फारिग कर दिया गया है। सलाउद्दीन राणा है वो सर जी, वो एडमन है हमारे, मैंने उनसे सर जी मेरी तारीखें काटी, मैंने इल्तजा की, मैं उनके पास गया, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। तो इसमें मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे लिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी अपनी एक भंगी की नौकरी भी नहीं कर पा रहा। मुझे बताएं आप, मैं किसके पास जाऊँ फरियाद लेके? मैंने सर उसके पैरों को भी हाथ लगाया है, इल्तजाएं की, मेहनत की, मेरी छोटी छोटी बच्ची हैं, मैं कहाँ जाऊँगा इस दौर में, महंगाई के दौर में किधर जाऊँगा? मेरी छठा साल चल रहा था जी, मैं अभी, मुझे खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं है। तो पे झुक के उसके हाथ लगाया, सर जी मेरी छोटी छोटी बेटी हैं, न्यानी है मेरी, कॉलेज में रिहाइश दी हुई थी, डेढ़ घंटे के अंदर अंदर मेरे को कॉलेज से बाहर फेंक दिया, लेटर हाथ में देके और मुझे कहा कि आप आज के बाद कॉलेज में नहीं आओगे। अब मैं सिंध गवर्नमेंट के पास आया हूँ, पीपल्स पार्टी के पास, हम ज्यादा पीपल्स पार्टी के सारी उम्र हमने वोट दिया है, हमारी आज तक किसी ने नहीं सुनी। कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा फैसला हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने आप को मार दूंगा। और इसका जिम्मेदार सलाउद्दीन साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है इतना खुदकुशी करने के लिए।